तो क्या हाल है मेरे दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस नए और फ्रेश वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आज सभी को बताने वाला हूँ कि व्हाट्सएप पे न्यू अकाउंट कैसे क्रिएट करें। तो दोस्तों, इसके लिए आपके पास एक मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है, जिससे कि आप व्हाट्सएप पे न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली पहले आप व्हाट्सएप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। यदि आप में ऑलरेडी डाउनलोड है तो आपको सिंपली व्हाट्सएप अकाउंट ओपन करना कुछ इस प्रकार से। इसके बाद आपको यहाँ पर एगर एंड कंटिन्यू करना है। तो अगर एंड कंटिन्यू करने के बाद आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो सिंपली आपको अपना मोबाइल नंबर टैप कर देना है। तो दोस्तों, अपना नंबर डाल लेने के बाद सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पर टैप कीजिए और यहाँ जो आपको पूछ रहा है इस पर सिंपली आपको ओके कर देना है। तो ओके करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपको ओटीपी के लिए पूछा जा रहा है कि ओटीपी आपके मोबाइल में अभी तक आया है कि नहीं। यदि ओटीपी नहीं आया तो थोड़ा देर के लिए ताली पीटिए, ताली पीटने से ओटीपी आ जाएगा। ये मजाक था। ओटीपी आने के बाद ऑटोमेटिक रजिस्टर आपके मोबाइल में हो जाता है। यदि आपका सिम किसी अनदर मोबाइल में लगा तो सिंपली आप वहाँ से ओटीपी कॉपी करके अपने मोबाइल में डाल लीजिए। और यहाँ से आप अपना नाम डाल सकते हैं कुछ इस प्रकार, कुछ भी आप अपना नाम डाल लीजिए, जैसे कि मैं डाल लेता हूँ। तो यदि आप अपना नाम डाल चुके हैं तो अब यहाँ पे सिंपली आप यहाँ से फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, फ़ोटो ऐड करने के लिए यहाँ से अपना गैलरी सेलेक्ट कर लीजिए, या कैमरा से भी आप अपना फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। तो मैं सिंपली गैलरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। गैलरी सेलेक्ट करने के बाद मैं कोई भी एक फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। ऐड करने के बाद डन वाले बटन पर टैप कर दीजिए। डन पर टैप करने के बाद दोस्तों सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पर टैप कर दीजिए। कुछ इस प्रकार हमारा प्रोसेसिंग हो रहा है। तो दोस्तों, कुछ देर के लिए वेट कर लेना है। जब तक आप वेट कर रहे तब तक आप कुछ भी मैगी जाके बना लीजिए 2 मिनट का। मजाक था ये, उतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा अकाउंट सिंपली ऑन हो चुका है। अब यदि हमें किसी को भी मैसेज करना, तो सिंपली यहाँ नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है चैट का, इस पर हमें सिंपली टैप करना है। तो दोस्तों, इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे हमारा सारा फ्रेंड का लिस्ट आ चुका है हमारे पास में। तो हमें सिंपली किसी को मैसेज करना, तो सिंपली उस पर टैप करना है। और टैप करने के बाद आप यहाँ से मैसेज कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से व्हाट्सएप का यूज आप कर सकते हैं। यदि इस वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन भी ऑन कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को। मिलते हैं किसी नए टॉपिक नए वीडियो के साथ में। जय हिंद दोस्तों।